अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं लाहौर से। इंसानी जान के सौदागर नवाकोट पुलिस के शिकंजे में। खुफिया इतला मिलने पर सोडीवाल स्टाफ पर कार्रवाई की गई कि मुलजिमान पुलिस को देखकर भागे लेकिन ताकुब करने पर पकड़े गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बाबर भट्टी से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी लाहौर इंसानी जान के सौदागर नवाकोट पुलिस के शिकंजे में। खुफिया इतला पर सोडीवाल स्टाफ पर कार्रवाई की गई। मुलजमान पुलिस को देखकर भागे लेकिन ताकुब करने पर पकड़े गए। चार मुलजमान कासम, गुलाम हुसैन, मुख्तार और अकरम गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 70 पतंगे, बी अदद केमिकल शीशा व तंदी डोर की चरखियाँ, मोटरसाइकिल क्लच, तार की डोर, 3 अदद पिना डोर और बांसी तीलों का बंडल, पतंग व डोर साजी का सामान बरामद। मुलजमान कासम और गुलाम हुसैन दोनों डोर साजी का काम करते थे। मुलजमान ने मोटरसाइकिल क्लच तार से खुद सौंपता डोर भी तैयार कर रखी थी। क्लच तार की डोर के अलावा तंदी शीशा, केमिकल डोर और डोर का सामान भी बरामद। कातिल डोर से बहुत सी कीमती जाने लुकमा उजल बन गई और बहुत से लोग जख्मी भी हुए। मजीद तफ्तीश पर दो मुलजमान मुख्तार और अक्रम गिरफ्तार। पतंगे और डोर बरामद। पतंगे और डोर साजी की खरीदो फरोख करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। SDPO नवागढ़ मोहम्मद उमर फरूक। इंसानियत की कदर करें, इंसानी जान को तकलीफ में मत डालिए। सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने कार्रवाई पर ऐसे जो नवाकोट और पुलिस टीम को शाबाश दी। जी बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SM न्यूज़।